आप चले जाएंगे, अचानक किसी दिन मर जाएंगे, कुछ धन बच्चों को हाथ लग जाएगा और कुछ धन ऐसा है जो किसी को भी हाथ लगने वाला नहीं है। और ये सबके पास होता है ऐसा धन, कोई कितना भी हरिश्चंद्र पिता हो माता हो पर बच्चों से कुछ अलग होता है, कोई बच्चा कितना भी श्रवण कुमार हो पर माता पिता से कुछ अलग होता है उसके पास। तो जो धन सबसे अलग रखा हुआ है वो धन नाश की ओर चला जाता है। भाई बच्चे हैं, माता पिता नहीं रहे तो बच्चे भोग लेंगे, तो चलो भोग हो गया उसका। बच्चे दान कर देंगे, चलो उसकी भी गति हो गई। पर कुछ धन ऐसा है जो हमें मरने के बाद वो कभी नहीं मिलता किसी को, तो उसका नाश माना है। इसलिए बंधुओं, कोशिश भगवान करवा रहे हैं आपसे ये कहलवाने की कि आप धन की तीन गतियों में से दो गति पे ध्यान दो। पहली गति, धन को समय अनुसार सदुपयोग करो और धन को दान करके उसका उद्धार करो, तुम्हारा उद्धार करो, धन की वृद्धि करो, धन को पवित्र करो। दान करने से धन बढ़ता चला जाता है, रास्ते खुलते चले जाते हैं व्यापार के, और व्यापार पसरता चला जाता है और इतना धन आता है कि आप धन को संभाल नहीं सकते। आपको न जाने कितने आडंबर करने पड़ेंगे धन संवारने के लिए, तब जाके धन सेट होगा, इतना धन बढ़ता है। सेवा करो, दान करो, अगर प्रभु ने दिया है तो परमात्मा का उसमें हक है, उसे भगवान के लिए खर्च करना चाहिए। अब मैं हर कथा में अपनी साल गिनाता हूं कथा कहने की। क्यों गिनाता हूं? क्योंकि भगवान ने मुझे अच्छा कर्म करने का मौका दिया है तो मैं गिना रहा हूं। भाई इतने दिन भगवान ने मुझसे गब्बा लिया, अपना चरण गब्बा लिया, अपना मुंह गब्बा लिया, इतने दिन कहलवा लिया अपने बारे में, और परमात्मा कहे। जब भी ज्यादा टेंशन डिप्रेशन दिमाग में हलचल हो, किसी महात्मा की कथा में सत्संग में चले जाओ, किसी गौशाला में चले जाओ, गायों के बछड़ों के साथ में खेलो, गायों के साथ में खेलो, गायों के शरीर पर हाथ फेरो, गाय के माथे को खुजलाओ, गाय के होठों को नाकों को चूमने का प्रयत्न करो। आप देखते जाना आपके अंदर अचानक पावर आती जाएगी, शक्ति आती जाएगी, सामर्थ्य आता जाएगा। फूंक मारने से गुब्बारा कैसे फूलता है, ऐसे गाय के स्पर्श से शरीर में ऊर्जा फूलने लगती है, आदमी का सारा टेंशन कम हो जाता है। यही भागवत के श्लोक मैंने आज गाय आपको बताए। कौन ऐसा है आप में से जो तीर्थ नहीं चाहता? सब चाहते हैं। कौन ऐसा है जो आप में से सुख नहीं चाहता? सब चाहते हैं, पर चाहने से नहीं मिलेगा बंधुओं सुख, सुख मिलेगा कमाने से, सुख की कमाई करने से, सुख के बीज बोने से सुख प्रकट हो जाएगा। हर आदमी सुखी होना चाहता है। मैंने खुद देखो व्यासपीठ पे दो एसी लगा रखे हैं, सुख के लिए लगाए, क्योंकि गर्मी तो है, मेरे ऊपर तो 500-500 वाट के लगे हुए लाइट। आप कल्पना करो, आप आरती करके गए अभी यजमान, उन्हें पता होगा 1.5-2 मिनट में आरती हुई है, क्या हाल हो गया कपड़ों का, चेहरे का, पसीने से। अब मुझे तो घंटों गाना है, घंटों बैठना है इस लाइट में, और प्रवचन करना है। दुनिया भर की गर्मी तो है, अंदर से गर्मी पैदा भी करनी है, और आपको खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो बहुत सारा लोड पड़ता है। कोई भी कर्म करने में सामर्थ्य चाहिए। सामान्यता से आप कथा की व्यासपीठ पर बैठ के कुछ गाओगे कहोगे, ये इतना सरल नहीं है, बड़ा जप तप लगता है। किसी के भाग्य से व्यासपीठ मिलती है और किसी के तपस्या से मिलती है। तो मुझे तो तपस्या से मिली है, भाग्य से बिल्कुल भी नहीं मिली है महाराज। मैंने तो रात दिन एक कर दिया तब मिला।
अच्छा, किसी को भाग्य से मिल जाती है व्यासपीठ, पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म करके आ गए उसकी वजह से व्यासपीठ सफल हो गई, एक दो साल में ही अच्छा बोलना हो गया, परिचय हो गया, पहचान हो गई ब्रह्म जगत में, लोग बहुत मानने लग गए, पहचान भी खूब हो गई। ये भाग्य की व्यासपीठ जो है वो एकदम ब्लास्ट कर देती है, बड़ाक से पहचान बना देती है पूरे जगत में और बड़ा कथाकार बना देती है, नाम हो जाता है। ये भाग्य का फल है। पर भाग्य का जो फल होता है पानी के गुब्बारे की तरह होता है, जब तक पानी तब तक गुब्बारा ठीक है, पर थोड़ा सा भी तिनका लग गया तो गुब्बारा फिर दिखाई देता नहीं है। इसीलिए जो भी भाग्य से प्राप्त हो आप उसे लेकर खुश रहिए। पर महात्मा इंद्रदेव आज आपको बताना चाहते हैं कि भाग्य का फल भोगिए, पर साथ में पुरुषार्थ के पेड़ लगाइए जिससे फल कभी खत्म ना हो, छाया कभी खत्म ना हो। अगर भाग्य के फल खत्म हो गए जगदीश बाबू तो कल से ही रूखी खानी पड़ेगी, फिर संसार में सुख नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो भाग्य का खा रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। बहुत लोग पैदा हो जाते हैं भाग्य से बड़े घरों में, पैसे वाले घरों में, अच्छे घर वाले मिल जाते हैं बच्चों को, तो बच्चे पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। उनको ये सारी चीजें, पूजा करना, कथा सुनना, किसी महात्मा के यहाँ जाना, ये सारी चीज उनको फालतू लगती है। फालतू क्यों? भाग्य की वजह से सब मिल गया है। अगर उन्हें ये चाहना मिलता, पाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। बिना बिस्तर के खटिया पे सोना पड़ता, रस्सी की खटिया पर रात को सोती और सुबह पीठ पर खटिया छप जाती, तब पता चलता कि कैसे पैसे वाले के घर में गुद्दे पे सो के सुख मिलता है। तब आदमी पुरुषार्थ करता है, तब मेहनत करता है, तब सोचता है, फिर क्या करता मरता, यही ढूंढता है। बाबा के पास चलो, पंडित जी के पास चलो, इसके पास चलो, वहाँ मंदिर चलो, वहाँ मर्दारे चलो, वहाँ जमुना नहाया में, वहाँ गंगा नहाया में, आप सब जानते हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हे हरि, हे नाथ, आपके चरणों से जोड़ के रखो, आप में मेरी श्रद्धा हमेशा रहे, ऐसा मुझे वर दो, ऐसा मुझे वर दो, उसी भक्ति दो। श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा के अंदर इतनी शक्ति है कि श्रद्धा के प्रभाव से बड़े बड़े ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं गुरु कृपा से। आपकी श्रद्धा हल्की है ना तो आप पढ़ पढ़ के थक जाना, किताब आपके अंदर उतरेगी नहीं। और जब आप में श्रद्धा अपार हो जाती है तो वही किताब आंखों के सामने से गुजर गई तो वो आपकी हो जाती है, फिर वो कभी बुद्धि से बाहर नहीं उतरती, फिर हमेशा बुद्धि में बनी रहती है। इसीलिए श्रद्धा लभते, श्रद्धा से ज्ञान का लाभ बढ़ता है, ज्ञान का लाभ मिलता है, श्रद्धा से भक्ति का लाभ मिलता है, श्रद्धा से रिश्तों में प्रगाढ़ता पैदा होती है। इसीलिए कल का क्या भरोसा, समझ लो कि कबीरा खड़े बाजार में, कबीरा खड़े बाजार में और मांगे सबकी खैर, और ना किसी से दोस्ती और ना किसी से बैर। कबीर जी ने जो कहा वो मैंने आपको कहा, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भाव बनता है सनातनियों का, भागवत श्रवण करने वाले का। सौनक जी ने भागवत जी की महिमा को समझा, क्या महिमा है,
शौनक आदि ऋषियों की श्रद्धा भागवत के प्रति अगाढ़ हो गई और वो प्रगाढ़ हो गई। अब तो पीछे पड़ गए शौनक ऋषि कि अब तो भागवत ही सुनेंगे। सूत जी भागवत श्रवण कराने लगे, सब संत महात्मा बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए। क्या महिमा भागवत की बताई, तो आप सब समझ गए भागवत की महिमा में भक्ति की कथा आती है, ज्ञान और वैराग्य की कथा आती है। भागवत का महत्तम सुनाया तो श्री नारद जी की कथा आती है, उनके पिता ब्रह्मा की मुक्ति की कथा आती है। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है, उसकी पुत्र दुंदकारी की भी कथा है जो आप हमेशा सुनते आ रहे हैं। मैं नहीं सुनाऊंगा, मैंने आपको याद करा दिया। भागवत सब सुनते हैं तो महात्मा पंडित या मैं यही महिमा सुनाते आ रहे हैं महत्तम। आज मैंने भागवत का महत्तम कुछ हट के सुनाया। दो ही श्लोक में पूरी भागवत का तत्व समझ में आया कि ये क्यों करनी चाहिए। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दादाजी जो मर गए हैं उनसे कोई भी प्रकार से आप अपनी कोई बात, कोई पदार्थ, कोई चीज पहुंचा नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं, भागवत का एक श्लोक भी पढ़ दिया उनके लिए तो उनको पितृलोक में दूध अमृत आदि घृत आदि पीने खाने को प्राप्त हो जाएगा। उनका भड़कना तड़कना जिससे बोलते हैं पंडित लोग, वह सब समाप्त होकर के वो ऐश्वर्य के धनी बन जाएंगे। बंधुओं, जिंदगी के लिए हम करते हैं, जिंदगी की सेवा नहीं कर पाते हैं तो अपने ऊपर से ऋण उऋण करने के लिए ऐसे कर्म करने हैं। भागवत कर्म, दान कर्म, मंडप कर्म, आश्रम कर्म, ये सब कर्म ऐसे हैं जिनसे अपने पितरों का वर्चस्व बढ़ता है पितरलोक में। आप अपने पूर्वज जो मर गए उनके नाम से जब आप कोई हॉस्पिटल खोल देते हैं, गौशाला की वृद्धि कर देते हैं, गौशाला खरीद देते हैं, तो आपके पितरों के लिए महल बन जाते हैं।